नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा हो चुकी है। 5 चरणों में 81 सीटों के लिए हुए इस चुनाव की परिणाम की घोषणा अभी हुई है और जैसा कि हमने देखा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के गठबंधन को लगभग 47 सीट मिली है अभी के परिणाम के अनुसार, और जो भाजपा है और भाजपा को अभी 30 सीटें मिली हैं और इसके अलावा अन्य को 4 सीटें मिली है। तो आज हम बात करेंगे रतन सेन जी से कि क्या कारण था कि भाजपा जो है इतनी बुरी तरीके से हारी है और अचानक से कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से एक नए राज में उभर कर आई है। आपका स्वागत है सर। ओके, थैंक यू। तो आप बताइए कि क्या कारण है इस परिणाम के पीछे, क्या कारण हो सकते हैं कि भाजपा जो है इतनी बुरी तरीके से हारी है और कांग्रेस उभर के आ रही है। इसके एक कोई एक कारण जैसे अभी गिनाए नहीं जा सकते हैं प्रिया, इसके कई कारण हैं। जैसे पार्टी में अंदरूनी विद्रोह की बात, जिसमें कि रघुवर जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ रघुवर दास, उनके अगेंस्ट में ही उनके ही बागी मंत्री सरयू राय जो हैं वो चुनाव मैदान में हैं, और अभी तक जो रुझानों की स्थिति है उसमें यह बताया जा रहा है कि वो आगे चल रहे हैं। तो ऐसे ही कम से कम 20 ऐसे नेता हैं जो बीजेपी से विद्रोह कर गए और पार्टी ने उन्हें करीब 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तो ये एक मुद्दे रहे हैं जो वोट कन्वर्ट करने की स्थिति में नहीं रहे। आप देखेंगे कई ऐसे विधानसभा रहे हैं जहाँ पर बहुत कम मार्जिन से हार जीत की स्थिति रही। तो ये सब जो स्थितियां हैं ये बीजेपी को पीछे ले जा रही थी इस विधानसभा चुनाव में। और दूसरी जो सबसे बड़ी जो स्थिति यहाँ पे बनी है इसमें, एक कि महागठबंधन का एक गठबंधन बना, उन्होंने एक चुनाव से पहले ही एक गठबंधन बनाने की स्थिति में थे जिसमें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और कांग्रेस, ये तीनों ने अपना एक गठबंधन बनाया और वो उस पूरी प्लानिंग के तहत वो चुनाव मैदान में उतरे और उन्होंने वोटों को कन्वर्ट किया। तो ये दूसरी सबसे बड़ी स्थिति रही उनकी। और तीसरी अगर हम बात करें तो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री वर्सेज आदिवासी मुख्यमंत्री, तो हेमंत सोरेन को उन्होंने, जैसे कि हैं भी वो एसटी जाति से बिलोंग करते हैं, तो वो गैर आदिवासी के रूप में रघुवर दास को देखा गया और आदिवासी के रूप में हेमंत सोरेन को। और हेमंत इनके रघुवर दास के बारे में ये बताया जाता है, कहा जाता है कि ये जो हैं ये एज ए जनता के बीच में इनकी लोकप्रियता उतनी अच्छी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति शिकायतों को लेकर जाता है रघुवर दास के पास तो वो उतने अच्छी तरह से तरीके से उनसे ट्रीट नहीं करते हैं, बात करने में दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन है। इसके कई वीडियो वायरल भी हुए थे जिसमें कहा गया था कि रघुवर दास अपनी जनता से प्रेम नहीं करते हैं। तो ये एक कारण रहे हैं। दूसरे और भी कारण हैं जिसमें कि भूमि अधिग्रहण का मामला है, जिसमें रघुवर सरकार के पे ये भी आरोप लगा है कि आदिवासियों की जो अपनी मूलभूत ज़मीनें हैं उसे सरकार ने उद्योगपतियों को दे दिया है। तो ये उसके ज़मीन, अब मान लिया जाए किसी की अपनी ज़मीन, हमारी ही अपनी ज़मीन चली जाएगी तो हम क्यों नहीं किसी का विद्रोह करेंगे। तो ये भी एक फैक्टर रहा है रघुवर सरकार में। केंद्रीय नेतृत्व को लेकर भी कहीं बात निकल कर सामने आने लगी है कि क्या जो केंद्र से जो नेता यहाँ पे चुनाव प्रचार के दौरान आए उनकी, उन्होंने जनता के साथ क्या कनेक्शन रहा। तो अगर हम इसको अगर हम पूरे थोड़े भारत के लेवल पे पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसको हमको देखने के लिए सबसे पहले हमें हरियाणा देखना होगा, फिर महाराष्ट्र का चुनाव देखना होगा, उसके बाद झारखंड का चुनाव देखना होगा। तो प्रिया, हम देखेंगे इसमें क्या कि हरियाणा में तो सरकार लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आई, यहाँ महाराष्ट्र में भी लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आई, झारखंड में ये लार्जेस्ट पार्टी नहीं बन पाई, झामुमो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है। तो इनके केंद्रीय नेतृत्व के को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि राम जन्मभूमि का मामला, 370 का मामला, एनआरसी, कैब, ये सब मामले को लेकर केंद्र सरकार वहाँ आती रही। केंद्र सरकार के मंत्री जैसे प्रधानमंत्री आए, अमित शाह आए, तो इन्होंने इस तरह के बयान दिए कि हमने ये किया वो किया, मगर वहाँ के लोकल समस्याओं को लेकर उन्होंने बात नहीं किया, लोकल मुद्दों को वो सामने नहीं ला पाए। ये एक बड़ी समस्या रही जो कि केंद्रीय नेतृत्व के बारे में कहा जाता है कि ये समस्याएं हैं। तो ये सब समस्याएं रही प्रिया, जिस जो कि हमको लगता है कि बीजेपी को पीछे ले जाके दिख रही है। बहुत सारी चीज़ें आपने बताई हैं अभी जिसके कारण भाजपा को बहुमत नहीं मिल पाई है इस बार, और वैसे भी पिछले अगर 19 सालों का झारखंड का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो हर बार का ये रहा है कि झारखंड में 5 साल के बाद सत्ता
दोबारा उस पार्टी को नहीं दी जाती, ये वहां का इतिहास रहा है। और इस बार फिर से इतिहास, किसी की सरकार चली, चली ही नहीं, और पहले ये सरकार है जो 5 साल चली है, तो किसी की सरकार जो है वो स्थिर नहीं है। और ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ है कि भाजपा की सरकार को हटा दिया गया और अचानक से जेएमएम और कांग्रेस की सरकार को लाया गया। तो जो अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो सरयू राय और रघुवर दास के बारे में जैसा आपने बताया कि वो बागी हो गए थे और उनके खिलाफ ही वो लड़ रहे थे, तो अब क्या सरयू राय जेएमएम में जेएमएम का हिस्सा बन सकते हैं? क्या वो जेएमएम की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अब तो उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया है? इस पर अभी आप फिर हम दोनों देख रहे थे, अभी हेमंत सोरेन का पीसी भी शुरू हुआ था, उस पीसी में जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि क्या सरयू राय आपके साथ होंगे, तो वो इस मुद्दे पे बोलने से नकारते रहे और वो उन्होंने कुछ नहीं कहा, कहा कि हमारी अभी पूरी टीम नहीं आई है, पूरी टीम जब आएगी तो हम इस पर पूरी तरीके से बात करेंगे, बताएंगे कि क्या स्थिति बन रही है। मगर सरयू राय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, स्वतंत्र मतलब निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा है उन्होंने, मगर उसमें समर्थन उनका एक तरह से कह लीजिए कि पूरे विपक्ष का समर्थन उनको साथ में मिला था, जिसमें बिहार से नीतीश कुमार ने भी अपने कैंडिडेट उतारने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं हम उनका समर्थन करेंगे। एक तरह से तो नीतीश कुमार बिहार में एनडीए के साथ में है, मगर वहाँ उनके मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में खड़े कैंडिडेट का जदयू ने समर्थन किया, ये बड़ी बात है। और इसी यही वो कारण है कि सरयू राय आज 2000 से ज़्यादा मतों से वो लीड कर रहे हैं, अब तक उसके रुझान आए तो हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, इसमें स्थितियाँ अभी बन नहीं पर ये, मगर स्वतंत्र कैंडिडेट हैं तो उनको मंत्रिमंडल में भी जगह दिया जा सकता है। तो हेमंत सोरेन और पूरा गठबंधन क्या करता है ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा, इसमें क्या होता है। जी बिल्कुल। अब जो दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो ये है कि भाजपा जो है वो चुनाव से पहले ये दावा कर रही थी कि वो 65 से ज्यादा सीटों पर अपनी जीत दर्ज करेगी, लेकिन परिणाम ठीक इसको लटे, तो इसका असर बिहार की राजनीति पर क्या पड़ने वाला है, क्योंकि अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अभी ही भाजपा को वहां की जनता नकार रही है, तो उसका असर अब बिहार में क्या देखने को मिलेगा? प्रिया, इसमें फिर से मैं आपको कहूँगा कि आप फिर से पिछले जो दिनों जो चुनाव हुए हैं उन सबको एक बार सबको देखने की जरूरत है, बीजेपी पार्टी को खुद से देखने की जरूरत है, उन्हें खुद एनालाइज करने की जरूरत है कि क्या कहाँ पे हमसे चूक हो गई, ताकि बीजेपी जो पिछले झारखंड विधानसभा चुनाव को देखें, पिछले कई बार से झारखंड में 5 साल की कोई अस्थिर सरकार नहीं बन रही थी, उसके बाद से 2014 में रघुवर के मुख्यमंत्री के रूप में एक मुख्यमंत्री बना जो पिछले 5 साल तक वहां पे राज किया, मगर अभी जो 2019 में जो फिर से विधानसभा चुनाव हुए उसमें उनकी कोई मतलब कि कहिए कि आप पूरी तरह से हार हो गई, तो ये कहाँ दिक्कत रह गई रघुवर सरकार की, या उसके क्या फायदे और क्या नुकसान बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान होंगे? तो हमें जहाँ तक लगता है कि केंद्र सरकार जो वहाँ पे केंद्र के जो मंत्री हैं वो जाकर वो जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं उसमें वो केंद्र के बातों को उसके स्टेट के समस्याओं के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इससे उनको बचना होगा। बिहार की जो मूलभूत समस्याएं हैं, बाढ़ है, सुखाड़ है, गरीबी है, झारखंड में तो गरीबी का प्रतिशत अगर आप देखें तो दूसरा सबसे गरीब राज्य का दर्जा उनको झारखंड को मिला था, अब तो इन सब मुद्दों पर अगर वहां जाने के बाद अगर केंद्रीय मंत्री अगर बात नहीं करेंगे तो कैसे जनता वोट देगी भाई? ये सब समस्याएं हैं, बिहार में भी इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी, अगर बिहार में अगर बीजेपी जदयू अगर रहती है तो स्थिति कुछ अलग होगी, और अगर दोनों अलग अलग होती है तो दोनों की स्थिति अलग होगी, तो इस तरह से बीजेपी को आगे सोचना होगा कि क्या करना है उन्हें। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो भाजपा है वो स्थानीय मुद्दों पे कम बात कर रही है और जो सेंट्रल लेवल पे जितने मुद्दे हैं उन पे ज्यादा फोकस कर रही है। तो अब जो मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि हाल ही में 2019 में ही जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें भाजपा ने 14 में से 12 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है, लेकिन इस ये जो परिणाम आए हैं उसमें एकदम ही परिणाम जो है उलट है, इस पर आपका क्या कहना है? मतलब कि लोकसभा और विधानसभा में ये जो वोटिंग पैटर्न है ये अलग अलग इतने ज्यादा कैसे हो सकते हैं? एक तो हमने पहले ही कहा कि इनके अपने नेताओं के मनमुटाव भी एक कारण रहे, जो कि वोट कन्वर्ट करने में दिक्कत आई, फिर इनका गठबंधन आंसू के साथ था, करीब 20 साल पुराना गठबंधन था जो टूट गया, तो ये भी एक कारण है प्रिया कि इनके, मगर अभी और उसको देखें कि अगर आंसू इनके साथ होते तो क्या स्थितियाँ ये होती, तो इसका एकमात्र कारण है हमें जहाँ तक जो लग रहा है कि गठबंधन इनका जो बिखर गया और पार्टी के नेता जो इनसे अलग हो गए, तो ये दो ऐसे कारण हैं जहाँ पे इनकी फेलुअर दिख रहा है, जिसमें कि सरयू राय जिन्होंने चुनाव जैसे ही वो बागी घोषित हुए और उन्हें फिर पार्टी से बाहर कर दिया, उसके बाद वो ताल ठोक करते रहे कि मैं रघुवर सरकार को यानी कि मुख्यमंत्री खुद को मैं उनके सीट से लड़ूंगा और उन्हें हरा दूंगा, और वो हारते हुए दिख रहे हैं, जैसा कि भी दिख रहा है, तो ये
अगर बीजेपी को इतना को खुलेआम चैलेंज कर रहा है उसके बावजूद भी उन्हें सीख नहीं मिल रही है तो ये बड़ी चीज़ है। लोकसभा चुनाव के दौरान सब साथ में थे तो उनकी वहाँ स्थितियाँ कुछ अलग थी, वर्तमान की जो स्थिति है उसमें सब बिखरे हुए हैं। इसमें पहला ऐसा मौका था कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही थी तो उन्हें अपना दम दिखाना चाहिए था जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो हमें लगता है कि लोकल पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए था जो शायद बीजेपी नहीं कर पाई। और यहाँ पे कैब और एनआरसी का मुद्दा कितना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है इस परिणाम को? कैब का मुद्दा जो है वो झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान ही शुरू हुआ। जो इसका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जामिया में जो पूरा मामला आया, फिर कलकत्ता में इसका फिर मामला है, फिर असम का मामला है, बिहार में भी मामला है और अभी पूरा मामला चल भी रहा है। उत्तर प्रदेश में कई जगह अभी भी ये मामले चल रहे हैं। एनआरसी और कैब को अगर हम पूरे मामले को देखते हैं तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, जिसमें कि एनआरसी कहता है कि आपको अपनी भारत में रहने का पूरा प्रमाण देना होगा, जो कि आदिवासियों के बीच में थोड़ी सी संशय पैदा करता है, जो कि उनके अपने इससे पहले भी हमने कहा कि उनके अपने जमीन जो थे उसे उद्योगपतियों के दे दिए गए तो औने पौने भाव में, जबकि वहाँ एक एक्ट है जिसमें कि आदिवासियों को उनकी ज़मीन किसी को नहीं बेची जा सकती, मगर रघुवर की सरकार आई तो इसमें उनको इस तरह के मामले आने लगे कि जिसमें कहा जाने लगा कि आदिवासियों की जो ज़मीन है उसे दे दी गई है उद्योगपतियों की। तो ये एक मामला है, और कैब का और एनआरसी का मामला है जिसमें कि कहा जा ये मतलब कि ये बात सबके मन में बैठ चुकी है कि हमें फिर से सड़कों पे आके अपनी नागरिकता सिद्ध करनी होगी। ये एक मामला है आदिवासियों के बीच में, ये लगता है कि मैं अपनी मेरे पास जो कागजात हैं वो पूरे हैं या नहीं हैं, तो ये एक मामला है जो लोगों के बीच में डर पैदा करता है, शायद वोटिंग स्केल रेस की वजह से नीचे गिर रहा है। हाँ, ये है उसमें हो सकता है, ये मामला भी है। तो जैसा कि आपने सुना कि बहुत सारे कारण हैं भाजपा के इस तरीके के परिणाम आने के और जेएमएम के इतना ज्यादा उजागर होने के, जेएमएम कांग्रेस और राजद जो कि कुछ समय पहले को पूरी तरीके से नकार दी जा चुकी थी जनता के थ्रू और अब जो है वो सारी पार्टी ही उभर के आ रही है। तो अभी तक के रुझान के हिसाब से जेएमएम कांग्रेस और राजद जो है वो लीड कर रही है और जो भाजपा है वो यहाँ पर भी उसको हार का सामना करना पड़ा है महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव की तरह ही, क्योंकि वहाँ पे भी उन्हें भारी बहुमत नहीं मिली थी और यहाँ तो खैर जेएमएम को भारी बहुमत मिल चुकी है। तो इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, झारखंड चुनाव पर जितनी भी अपडेट्स थी हमने आपको दे दी हैं, धन्यवाद।